वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 12 पोह 27 दिसंबर, अज का दिन सरहंद विच बहुत अहम है, बहुत अहम। सरहंद की गल करन तो पहला दसवें पातशाह की गल कर लीए। दसवें पातशाह अज के दिन आलमगीर तो चल के हेरा सीलोवाल थानी हो के रायकोट अपने एक सेवादार चौधरी राय कला दे कोल पहुँच जाते हैं। नाल तीन सिंह ने, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मान सिंह, ते दसवें पातशाह राय कला को पहुँच जाते हैं, जिथे कुछ दिन रुकते ने, आसे पासे दीयां खबरां इकट्ठियां करन दा जतन करते। सरहंद विच सवेरे ही साहबजादे नूं पेशी वास्ते तलब कर लिया जांदा है। साहबजादे उसे चढ़दी कला दे विच जकारे गजाउंदे, फतेह बुलाउंदे, बुला के कचहरी विच पहुँच जांदे है। वजीर खां पूरे गुस्से विच आखदा है, मैं बहुत कोशिशां करके वेख लईआं, आखिरी वार तुहानूं पुछणा है, आखिरी वार कि इस्लाम कबूल करदे हो, कि इस्लाम धारण करते हो, कि अपना धर्म छड्डण वास्ते तैयार हो। जदों साहबजादे इस गल का जवाब दे देंदे ने, उहदी ईन वजीर खां दी नहीं मनदे। छटपटाया होया वजीर खां साहबजादियां नूं तसीहे देण दा हुक्म दिंदा है। भाई दूना सिंह हठूरिया जिहड़ा दसवें पातशाह दे नाल आनंदपुर साहब दे अंदर है, कुछ दिन पहला ही उहनूं बाहर भेज देंदे ने। दसवें पातशाह जानते हैं कि आने वाला समा इतिहास के बहुत अहम समा है, आने वाले कुछ दिनों में वो घटनावां वापरनिया ने जिन्हें रही दुनिया तक मनुखता की अगवाई करनी है। दसवें पातशाह हदायत कर देंगे ने भाई दूना सिंह कि जो कुछ भी वापरदा तू उन्हूं नोट करना है। दूना सिंह हठूरिया अपना पोथी कथा गुरसुतन की, गुरु के पुत्रां की कथा दे विच लिखदा है कि दोहां साहबजादियां दीयां बाहां पिछले पासे नूं करके पिपल दे दरख्त नाल बन्ह दित्ता जांदा है। पिपल दे दरख्त नाल बन्ह के गलेलां दे नाल उहनां दे मूहां दे उत्ते, उहनां दे चेहरियां दे उत्ते पत्थर मारे जांदे है। साहबजादा फतेह सिंह दी अख दे उत्ते पत्थर वजदा है, अख चों खून निकलना शुरू हुंदा है, हथ बजे होए ने, खून नूं पूंझिया नहीं जा सकदा। दूना सिंह दे लिखण दे मुताबक वो अपने मोढ़े नाल खून साफ करन दा जतन करदे ने, मोढ़ा उत्थे तक नहीं पहुँचता क्योंकि बाहां खिच के बनिया होईया ने, बड़ा जुल्म किया। उस तो बाद जदों फिर नहीं मने, उन्होंने खोल के उन्होंने हत्थां दे नौ जड़े ने जमूरां दे नाल खिच लै गए। सधारण नहीं हुंदी गल, छोटे छोटे बच्चे ने वो। ये गल वक्री है कि दसवें पातशाह साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के पुत्र ने, वो खालसे ने, अमृत की दात है उन्होंने को, अमृत की शक्ति है उन्होंने को, शरीरक तौर पर तो बच्चे ही ने, हत्थां दे नौ खिच ले जाते हैं, वो नहीं मनते। गर्म सीखां लोहे दियां लाल करके उन्होंने हत्थां दे उत्ते लगा के हाथ साड़ दिते जाते। सारा दिन ये जुल्म चलता रहिंदा है, बहुत बहुत जुल्म जिहड़ा है वो किया जाता है। वार वार उन्होंने ईन मनण वास्ते पुछया जाता है पर वह इस गल नहीं मनते। नाल ही खेड़ी तो गंगू ब्राह्मण नू फड़ के लिया सी, जड़ा उन्हें भी कैद करके नाल ही लैंदा सी, उहदी पेशी दरबार दे विच हुंदी है। वजीर खां उन्हें पुछदा है वह कित्थे आ खजाना, कित्थे आ वह मोहरां जिहड़ियां तां लुटियां सी इन्हां पासों, कढ वह खजाना। तो वह खजाना लैके उन्होंने जंगल च लैके जांदा सिपाहियां नू, पर उन्होंने इधर उधर घुमा के वापस आ जाता खाली हथी, खजाना मिलता नहीं। वो कहिंदा मैनू पता नहीं मैं कित्थे खजाना दब बैठा है। तो वजीर खां गंगू ब्राह्मण नू कतल करन दा हुक्म दे दिंदा है, जिहड़ा अपने मालक दा नहीं बनिया वो मेरा किवें बनेगा। अज दे दिन दे विच गंगू नू भी वजीर खां दी कचहरी विच कतल करके उहदी सज़ा उहनूं दे दित्ती जांदी है। सारा दिन बहुत जुल्म कीता जांदा साहबजादियां दे उत्ते। माता नू समझाउण दा यतन किया जांदा है किसे राही कि माता अपने पोतरे बचा लै, यही बचे ने।
माता भी उही चढ़ती कला के जवाब देंगे ने। बहुत कोशिश की जाती है कि एक किसी तरीके नाल ईन मन लैन। जदों तसीहे देने का हुक्म दिता जाता है, नवाब मलेरकोटले शेर मुहम्मद खां वजीर खां के उस दरबार में छड़ के बाहर चले जाता हा का नारा मार के, उदे बदले विच अज तक पूरी सिख कौम मलेरकोटले की देणदार बनी हुई है। होर कई दरबारी छड़ के चले जाते हैं, पर दुष्ट सुचा नंद वजीर खां नू बार बार कह रहा है कि जमदियां सूलां दे मूँह तोड़ देने चाहिए है, जे बड़े हो गए किड्डी वड्डी बगावत करके हकूमत का नुकसान करनगे, इन्हां नू सख्त तो सख्त सज़ा देनी चाहिए है, इन्हां दी हिंड तोड़नी चाहिए है, इन्हां नू इस तरह करना चाहिए उस तरह करना चाहिए। सारा दिन तसीहे देण तो बाद भी जदों गल खत्म नहीं हुंदी ते साहबजादियां नू वापस ठंडे बुरज विच भेज दिता जांदा है। सारा शरीर जख्मी है, हत्थां दे नौ कड्ढे होए ने, खून वग रहा, चेहरे जख्मी है, हाथ साड़ दिते ने गर्म सलाखां दे नाल। साहबजादे फिर भी माता गुजरी कोल पहुँच जाते हैं, माता जी उन्हां नू प्यार करते ने, उन्हां नू शाबाश दिंदे ने कि तुसीं अपने धर्म ते कायम रहे हो, अपने दादे वांगू अपने पिता वांगू सिक्खी दी लाज रखी है। बाबा मोती राम मेहरा दूजे दिन फिर पहरेदार नूं एक गहने दे रूप च बड्डी दे के माता जी ते साहबजादियां दी दुध दे नाल सेवा करदा है। ते अज दा ये बहुत कष्टां भरिया दिन 12 पोह 27 दसंबर दा इस तरीके दे नाल पूरा हुंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।